रैशनल नंबर्स मैंने इसको डिवाइड किया, क्या आया? रेशियो आया। रेशियो का मतलब क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म। पी का मतलब क्या है? न्यूमेरेटर में कुछ रहेगा। क्यू का मतलब क्या है? ये जो है डिनोमिनेटर का वैल्यू है। तो अगर कोई भी नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हो जाता है रैशनल नंबर्स, कोई भी नंबर। अब यहाँ पे आ जाता है, सर कैसा टाइप का नंबर? हम लोग तो तीन टाइप का नंबर देखा है, क्या है? एक है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर्स, तीसरा है इंटीजर्स। ये तीन टाइप का नंबर हम लोग देखा है, तो इनमें से कौन सा? देखो इंटीजर्स एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आता है। होल नंबर्स में क्या आता है? जीरो वन टू ऐसा करके आता है, थ्री ऐसा करके आता है। नेचुरल नंबर में क्या आता है? वन टू थ्री ऐसा करके आता है। तो देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर को दोनों को मिक्सअप कर दोगे तो ये आ जाएगा ना इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स का बात अगर हम कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर और होल नंबर इंक्लूडेड है इसका पॉजिटिव इंटीजर्स में, है ना? पॉजिटिव इंटीजर्स में नेचुरल नंबर और होल नंबर इंक्लूड हो जाता है। लेकिन इंटीजर्स का कुछ अलग भी है जो है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, तो वो भी हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए इंटीजर्स को अगर मतलब न्यूमरेटर में क्या होगा? इंटीजर्स। डिनोमिनेटर में क्या होगा? इंटीजर्स। तो फिर ये क्या बनता है? इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, ये हो जाता है रैशनल नंबर। मतलब क्या? न्यूमरेटर में भी इंटीजर, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर। तो मतलब रेशियो ऑफ, मतलब समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया, रैशनल नंबर का मतलब समझ में आया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है बेटा, यहाँ पे एक कंडीशन है बेटा। क्यों? देखो इंटीजर्स में जीरो वन टू थ्री ऐसा होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या है? डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि डिनोमिनेटर में जब जीरो आ जाता है तब वो अनडिफाइन हो जाता है। ये क्लास सेवन में ऑलरेडी मैंने समझाया है, क्लास एट में एक और एक बार बता रहे हैं, डिनोमिनेटर में जीरो होता ही नहीं है। तुम कैलकुलेटर हो या फिर मोबाइल का कैलकुलेटर हो या फिर कंप्यूटर का कैलकुलेटर, कोई भी कैलकुलेटर में करके देख लो, मतलब कोई भी नंबर लो फाइव डिवाइडेड बाई जीरो, देखोगे की डिवाइड नॉट, डिविजन नॉट पॉसिबल, या फिर सिंटेक्स एरर या फिर एरर ऐसा करके लिखा हुआ आएगा। क्योंकि जीरो से डिवाइड होता नहीं है, इसीलिए डिनोमिनेटर में जीरो होता ही नहीं है कभी भी। लेकिन लेकिन यहां पे एक बात है जो है जीरो डिवाइडेड बाय वन, यहां पे जीरो डिवाइडेड बाय वन या फिर जीरो डिवाइडेड बाय टू या फिर जीरो डिवाइडेड बाय हंड्रेड हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है रैशनल नंबर। समझ में आया? न्यूमरेटर में जीरो हम लोग लिख सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो हम लोग लिख नहीं सकते। डिनोमिनेटर में जीरो दैट मीन्स फाइव बाई जीरो, टू बाई जीरो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जीरो से डिविजन होता नहीं है। मतलब समझ में आया? और यहाँ पे हम एक और एक कंसेप्ट बताना चाहेंगे, ये इस पेज में ही बता देते हैं क्योंकि बहुत सारा मतलब ऐसा कुछ हो गया है। तुम लोग धीरे धीरे देखना, ऐसा नहीं कि उत्पड़न सा, मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा कट कट करके मत देखना, क्योंकि कट कट करके देखोगे तो ये पढ़ने का जो मजा है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्लास बेसिस में वीडियोस को देखा करो। ठीक है, तो क्लास बेसिस में वीडियोस को देखोगे तो मजा आएगा।